दोस्तों, पेट के कैंसर से जूझ रहे एक्टर जूनियर महमूद ने हाल ही में इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें जिगरी यार जितेंद्र और बचपन की दोस्त सचिन पिलगांवकर से मिलना है। इस बारे में जूनियर महमूद के दोस्त सलाम काजी ने ई टाइम्स को बताया था। जितेंद्र हाल ही में जूनियर महमूद से मिलने पहुंचे और जब उन्होंने दोस्त की बुरी हालत देखी तो वह रो पड़े। जितेंद्र ने जूनियर महमूद के सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके। बता दें कि जूनियर महमूद अभी मुंबई में अपने घर पर ही हैं। उनका पेट का कैंसर चौथे स्टेज पर है। कहा जा रहा है कि जूनियर महमूद की जल्द ही सर्जरी की जाएगी, पर डॉक्टरों के मुताबिक एक्टर के पास अभी सिर्फ 40 दिन का ही समय है। वहीं इन 40 दिनों में से भी कुछ दिन बीत चुके हैं। जितेंद्र को दोस्त के कैंसर की खबर मिली तो वह उनसे मिलने पहुंच गए और इस मुश्किल वक्त में सहारा दिया, पर दोस्त की हालत देखकर वो काफी भावुक हो गए। मालूम हो कि जूनियर महमूद के साथ 15 साल से रह रहे सलाम काजी ने हाल ही में ई टाइम्स को बताया था कि एक्टर जितेंद्र और सचिन पिलगांवकर से मिलना चाहते हैं। उन्होंने सचिन को मैसेज किया था और जवाब का इंतजार है। हालांकि सचिन ने जूनियर महमूद को वीडियो कॉल जरूर किया, पर मिलने अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जूनियर महमूद से कुछ दिन पहले ही जॉनी रिवर और मास्टर राजू यानी राजू श्रेष्ठा मिलने पहुंचे थे। उन्होंने भी फैंस से एक्टर के लिए दुआ करने की अपील की थी। जूनियर महमूद की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 60 के दशक में करियर शुरू किया था और 2019 तक काम किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी किए। साल 2019 में वह टीवी शो तेनाली राम में नजर आए थे। इसके बाद से वह एक्टिंग से दूर थे। जूनियर महमूद बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं गाने से चर्चा में आए थे। जूनियर महमूद को पेट का कैंसर होने के बारे में 2 महीने पहले तब पता चला जब 2 महीने तक बीमार रहने के बाद टेस्ट करवाए। उसमें पता चला कि जूनियर महमूद की आंख में ट्यूमर है और लीवर और फेफड़ों में कैंसर फैल चुका है। दोस्तों, आप भी इस एक्टर के जल्द स्वस्थ होने की कामना जरूर करें। साथ ही आप वीडियो को लाइक और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।